वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज में और आपके साथ मैं हूं तन। मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर खूब प्रदर्शन हो रहा है। कुछ दिन पहले ही उमा भारती ने भोपाल में शराब दुकान पर पत्थर मारकर अपने इरादे साफ कर दिए थे। इसके बाद से प्रदेश में एक बार फिर शराबबंदी की मांग उठने लगी है और वहीं उमा भारती इस आंदोलन में खूब आगे हैं और वो सरकार पर भी जमकर निशाना साध रही है और सरकार से शराबबंदी की मांग कर रही है। वहीं आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री शिवराज ने शराबबंदी को लेकर उमा भारती को साफ शब्दों में कह दिया कि प्रदेश में शराबबंदी नहीं होगी और प्रदेश को पहले नशा मुक्त समाज बनाया जाएगा, जिसके बाद से शराबबंदी को लेकर उमा भारती के तेवर ठंडे पड़ गए हैं। और ये केवल इससे नहीं होगा कि ये बंद कर दी तो अब बंद हो गई। जिन राज्यों में बंद है वहां भी हालत खराब है। इसलिए जनता के मन से ही ये चीज खत्म हो सकती है कि हम अपने गांव को नशा मुक्त करेंगे, गांव में निवेदन करेंगे। शिवराज सिंह चौहान के ऐलान करने के कुछ घंटे बाद ही उमा भारती ने सरकार के नशा मुक्ति अभियान में भागीदारी करने की बात कही है। दरअसल उमा भारती ने सोमवार को सोशल मीडिया पर कहा था कि शिवराज सिंह चौहान से 1984 से मार्च 2022 तक सम्मान एवं स्नेह के संबंध बने रहे। दो साल से हर मुलाकात में शराबबंदी की बात की और मीडिया के माध्यम से बात करने लगे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदापुरम में माखन नगर में नशा मुक्ति अभियान शुरू करने की बात कही, जिस पर उमा भारती ने कहा कि मैं सरकार के नशा मुक्ति अभियान का समर्थन करती हूं एवं स्वागत करती हूं, मैं भी इसमें समय समय पर भागीदारी करूंगी। उमा ने यह भी कहा कि यह सरकार की नीति है कि स्कूल, कॉलेज, मंदिर एवं जहाँ नागरिकों एवं महिलाओं को आपत्ति हो के पास शराब की दुकान ना हो, जगहों में शराब पिलाना जैसे इन सब बातों पर जहां आपत्ति है उसमें भी सरकार अपनी नीति का सुनिश्चित करे, जिससे महिलाओं और नागरिकों में असंतोष ना हो और डिबरी जैसे विरोध प्रदर्शन के लिए